बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको लगता है कि उनकी ब्रेस्ट का साइज परफेक्ट नहीं है, तो मैं बता दूं परफेक्ट की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि हर एक बॉडी ब्यूटीफुल है। तो कुछ महिलाओं को लगता है कि उनकी ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा है, उनको छोटा साइज चाहिए। किसी को लगता है कि उनकी ब्रेस्ट का साइज बहुत ही कम है, उनको थोड़ा बड़ा साइज चाहिए। चाहे वो किसी से इन्फ्लुएंस हो रही हो, कुछ भी हो सकता है उसका कारण, लेकिन उनको लगता है कि उनका एक डिजायर्ड जो साइज है वो है नहीं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि आज हम डिक्रीज वाले पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो यही बताएंगे कि क्या किस तरीके से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, घर पे रह के क्या कर सकते हैं, और भी क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट का साइज कम रह जाता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, एकदम साइंटिफिक तरीके से आपको समझाऊंगी क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि जो लोग ये अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं दूसरों के सामने कि मेरी ब्रेस्ट का साइज सही नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि ये बात सच है कि जो आपकी ब्रेस्ट का साइज है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपकी जो मदर है या फिर आपकी जो ग्रैंड माँ है, नानी है, ठीक है, उनकी ब्रेस्ट के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब आपके जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये बहुत हद तक होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से कुछ एनहेंसमेंट आपकी ब्रेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है उसे आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानें, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं कि आपकी ब्रेस्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो एक सिलिकॉन उसको यूज़ करते हैं और वो ब्रेस्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है और दिखने में थोड़ी सी एकदम टोन जैसे शेप चाहिए उसी तरीके जैसे कि सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं बहुत सारे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर तक हुआ है। काफ़ी ऐसी रिसर्चेस सामने आई हैं जिनके बेसिस पे उनको अपने इम्प्लांट्स निकलवाने पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ना सोचें ताकि आप थोड़ा सा हेल्दी वे में जाएँ। ठीक है, और अब दूसरा तरीका है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो भी उसके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि ब्रेस्ट क्या मसाज करने से या फिर आप कुछ खाएं पिएं उसकी वजह से। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम मसाज के ऊपर ही बात करेंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि हार्मोन का बैलेंस होना भी ज़रूरी है, डाइट भी इम्पॉर्टेंट है, मसाज भी इम्पॉर्टेंट है, योगा भी है, प्राणायाम भी है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज कर सकती हैं, तो आपको बिल्कुल भी इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जो मसाज है अगर वो आप किस तरीके से करते हैं और ये क्या काम करती है, ये 2 तरीके से आपकी बॉडी में काम करती है उसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि आपकी साइंस, आपकी बॉडी, बायोलॉजी क्या कहती है कि किस तरीके से आपकी ब्रेस्ट होती है। ठीक है, तो देखिए जो भी फीमेल है तो ये जो हमारा हिस्सा होता है ये वाला, तो यहाँ पर हमें पसलियाँ दिखाई देती हैं, रिब्स, ठीक है, रिब केस होता है, उसके अटैच, उससे ऊपर की तरफ अटैच क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। देखिए ये वाली क्या है, मसल्स हैं जो कि हमारी जो रिब्स हैं उनसे अटैच है। ठीक है, उसके आगे क्या है, ये येलो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हैं फैटी टिश्यूज। मेनली क्या होता है कि जो फैटी जो टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज इनको बोलते हैं, आपको टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, उनकी वजह से क्या होता है हमारी जो ब्रेस्ट है उसका साइज इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। किसी में वो फैटी जो टिश्यूज हैं वो ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, उसकी वजह से ही साइज वेरी करता है। ओके, एंड कुछ इन मसल्स का भी रोल होता है जो कि डायरेक्टली हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, जो रिब्स हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। ये समझिए ये बेस है, उसके आगे क्या है, ये कुछ फैटी टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर जहाँ से बच्चा दूध पीता है, ठीक है, तो वो थैलियाँ यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, इनके अंदर दूध बनता है जो कि बच्चा जब फीड करता है तो इसको लेता है। समझ रहे हैं? तो अब देखिए मसाज किस तरीके से काम कर सकती है, एक तो जो आप डाइट लेंगे वो काम करेगी, दूसरा मसाज। मसाज की बात करेंगे तो ये 2 तरीके से काम करती है। ये क्या करती है, जब भी आप मसाज करते हैं तो जो यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं, ये जो टिश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाले येलो येलो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको जाके ये स्टिमुलेट करेगी, ये जो हिस्सा है इसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जब ये स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी हाइपरट्रॉफी होगी, ये टिश्यूज और ज्यादा बनने लगेंगे। ठीक है, और जब ये हाइपरट्रॉफी होती है टिश्यूज की तो साइज इंक्रीज होता है।
समझ पा रहे हैं। तो पहला तरीका तो ये है, मसाज करने से थोड़ा बहुत जो इंक्रीमेंट दिखाई देता है वो ऐसे होता है। दूसरा क्या है कि जब भी आप मसाज करते हैं तो क्या होता है कि एक हार्मोन, जिसको नाम, ये जो हार्मोन है इसका मतलब यही है कि ये ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ हार्मोन है, तो ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये बनने लगता है या फिर इसका अमाउंट ज़्यादा होने लगता है। जब इसका ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादा ही बनने लगता है तो हम इसको बोल रहे हैं ब्रेस्ट हार्मोन के नाम से भी जानते जाते हैं, सॉरी क्या ही बोल रही हूँ, ब्रेस्ट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने का काम करता है। मोटा मोटा समझ में आया। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि किस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, क्या यूज करना है। तो देखिए, मसाज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कप अप क्रीम है नेचर मानिया की, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है और सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है ये क्या है, गंभारी, बहुत ही अच्छा हर्ब है और भी बहुत सारे इसके अंदर हर्ब दिए गए हैं, अश्वगंधा है, वाचा है, सतावर है, एलोवेरा है, गुलाब है, सारे नेचुरल हैं। ठीक है, और सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ये आयुष के द्वारा अप्रूव्ड है, 100% सेफ है और नेचुरल प्रोडक्ट है, दो गुना ये इफेक्टिव भी है। ठीक है, क्योंकि स्पेशली बनाई ही ब्रेस्ट के लिए गई है, तो आप एक कॉइन साइज इसका क्रीम का आप लेंगे एंड आप इसको अप्लाई करेंगे किस तरीके से, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की ये क्रीम होती है और आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, एक कॉइन साइज, एंड आप इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से और ऐसे आप मसाज कर सकते हैं अपनी ब्रेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका नाम ही है कप ऑफ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट शेपिंग एंड टोनिंग क्रीम, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आप जहाँ पे मुझे कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी मैं दे दूंगी। बिल्कुल नेचुरल से इसके अंदर खुशबू आ रही है, कोई मिलावटी इसमें ज़्यादा जो आर्टिफिशियल खुशबू है वो नहीं है। अगर आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसके साथ ही कप अप जो कैप्सूल्स हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे हैं और इसका इफेक्ट और ज़्यादा हो जाता है अगर आप इन दोनों को साथ में एज ए कॉम्बो यूज़ करते हैं, तो काफ़ी टाइम के लिए चल भी जाएंगे। ये भी आपकी हेल्प करेंगे जो ब्रेस्ट है उसको स्ट्रेंथन बनाने में एंड उसको टोन करने में। जब भी देखिए सैगिंग हो जाती है ब्रेस्ट की, तब भी हमें लगता है कि ब्रेस्ट का साइज कम हो गया है, लेकिन जैसे वो टोन होती हैं परफेक्ट, उनकी जब शेप आती है उनमें थोड़ी सी टाइटनेस आती है, स्ट्रॉन्ग जब वो बनती हैं तो एक अच्छे से आपको उसकी शेप दिखाई देने लगती है। तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, कप अप कैप्सूल हैं और ये क्रीम है, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो इन कैप्सूल्स का यूज़ नहीं करेगी, और दूसरा अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है तो भी वो इनको यूज़ नहीं करेगी, अदरवाइज आपके लिए बिल्कुल सेफ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, बिल्कुल जाइए और इसको बाय कर लीजिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यूज़ करना है कम से कम दो महीने तो आप यूज़ करके ही देखिए। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि टोनिंग आ रही है, थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है ये वाला हिस्सा, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पांचों पॉइंट्स को मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से खाना पीना और मसाज आपके लिए काम आ सकती है। पहला है हार्मोन बैलेंस। देखिए, हम जो फीमेल्स हैं ना वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसको मतलब बहुत मुश्किल से समझ सकता है कोई, नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम करते हैं। एक बार हार्मोन्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हमारी बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है, हमारा जो माइंड है वो भी बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करता है, समझ रहे हैं। तो अगर आपके हार्मोन्स में बैलेंसिंग रहेगी ना तो आपकी ब्रेस्ट का साइज भी काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, फीमेल्स जो हैं उनके अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, आप सभी जानते हैं एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स की ब्यूटी के लिए, उनकी जवानी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है तो धीरे धीरे वो मेनोपॉज में पहुंच जाती है, उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद हमारी ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे बॉडी पे भी झुर्रियाँ आने लगती हैं, नई मसल्स भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारे हार्मोन बैलेंस में हैं तो हमारी ब्रेस्ट का साइज भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए मैंने ये चार पॉइंट बताए हैं, इन्हीं को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसके ऊपर आप ध्यान रखते हैं, इसको मेंटेन कर लेते हैं तो आपका काम ज़रूर होगा। पहला है गुड स्लीप, अच्छे से सोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी रिपेयरिंग का काम होता है इसके दौरान। दूसरा है
कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर लीजिए, ठीक है। जब स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो हॉर्मोन्स अच्छे से काम करते हैं। बॉडी वेट भी बहुत बड़ा कारण होता है, बॉडी वेट ज़्यादा अगर हो गया है तो उसको बैलेंस कीजिएगा। और लास्ट है, जो भी आप ड्रिंक्स लेते हैं, चाहे वो अल्कोहल है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, उनको भी आप बंद कर दीजिए। तो इससे भी आपके हॉर्मोन्स जो हैं धीरे धीरे बैलेंसिंग उनकी होने लगती है। अब हम देखते हैं कि आप डाइट क्या ले सकते हैं, घर पे रह के आप क्या खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम खाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपके ब्रेस्ट के इनलार्जमेंट में ये हेल्प करेंगी, ठीक है। तो देखिए, पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, पनीर है, ठीक है, ये आप सब ले सकते हैं, चीज़ है, ओके, सब कुछ आप ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, दूध तो बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोया आप ले सकते हैं, सोया बड़ी हैं, ये बीन्स आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी हैं, तो आप इनको ज़रूर यूज कीजिए। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी ग्रीन सब्जियां हैं, जो जिनकी लीफ ग्रीन है वो लीजिए, आप पालक लीजिए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर होता क्या है, ये देखिए ऊपर मैंने लिखा है फाइटो एस्ट्रोजेंस, ये जो वेजिटेबल्स हैं या फिर ये जो सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या है, फाइटो एस्ट्रोजेंस हैं, जो कि क्या करते हैं, फाइटो मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स से मिलने वाला एस्ट्रोजन, जो कि हमारी बॉडी के जैसा ही एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से देखिए जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी होती है तो भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट में कमी होती है, ओके, लेकिन हम वो पूर्ति कहाँ से कर रहे हैं, प्लांट्स से। तो यहाँ से ये जो प्लांट बेस्ड जो चीज़ें हैं ये भी आपको क्या दे रही हैं, फाइटो एस्ट्रोजन, मतलब प्लांट वाला एस्ट्रोजन जो कि हमारे एस्ट्रोजन से मिलता जुलता है, समझ पा रहे हैं। ये देखिए मेथी है, फेनुग्रीक सीड्स, इनको आप रात में सोक कर सकते हैं और उनको सुबह उठ के खाली पेट आप पानी भी पी लीजिए और जो सीड्स हैं उनको चबा चबा के खा लीजिए, बहुत अच्छे हैं, इससे आपके एस्ट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यूअसली इनमें से कुछ भी ले रहे हैं या फिर अल्टरनेटिवली ले लीजिए कि एक दिन वो खा लिया, दूसरे दिन ये खा लिया, है ना, इस तरीके से कर लीजिए। और ये जो है फेनल सीड्स, जिनको हम बोलते हैं सौंफ, ये तो हम खाने के बाद भी खा सकते हैं, है ना, लेकिन आप एक प्रॉपर तरीके से खाते हैं कि आप रात को भिगो के पानी में फिर उसको आप ले सकते हैं, जैसे कि एक टेबल स्पून आपने डाल दी 1 glass ऑफ वाटर में, सुबह आप उसको पानी को पी लीजिए, अगर आपसे खाया जा रहा है तो इसको थोड़ा थोड़ा चबा के आप खा भी सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अंदर होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ सीड्स हैं और कुछ नट्स भी हैं। तो सीड्स में मैं आपको बता दूं, ये हैं जिनके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, फ्लैक्स सीड्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। और ये कुछ नट्स हैं जो कि देखिए, अब मूंगफली है, ये क्या है, पीकन्स हैं, ये तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये वॉलनट्स हैं, काजू है, तो ये तो आप क्या कह सकते हैं कि इन सब को रात में सोक कर दीजिए और फिर आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे इसकी आधी स्पून हो गई, इस तरीके से हाफ 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 हो गए, ऐसे ले सकते हैं। रात में भिगोना ज़रूर है, उसके बाद आपको सुबह खाली पेट खा लेना है। अब देखिए हम लास्ट में जान लेते हैं कि योगासन कौन से करने चाहिए। तो मेनली मैं आपको दो बता रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे हैं। पहला तो है कैमल पोज, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये वाला आपका पूरा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, तो ये है कैमल पोज, ये आप कर सकते हैं, उष्ट्रासन बोलते हैं इसको, ऊंट के जैसा आसन। दूसरा क्या है कि ये कोबरा पोज, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, इसके थ्रू भी देखिए पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है यहाँ की, तो ये दोनों आसन आप कर सकते हैं। अब देखो प्राणायाम में आपको क्या करना है, जब आप इनहेल करते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको स्पेशल डेडिकेटेड वीडियोज मिल जाएंगे कि किस तरीके से प्राणायाम करने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे आप श्वास लेते हैं अंदर, मतलब जब आप इनहेल करते हैं तो आपका ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा फैल जाना चाहिए, ठीक है। हम दो तरीके से सांस ले सकते हैं ना, एक तो जब सांस गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जो स्टमक वाला हिस्सा होता है हम उसको पूरा फैलने के लिए छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते हैं और वो अच्छे से फैल जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप सांस ले रहे हैं, स्पेशल अगर आप अपनी ब्रेस्ट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको मेनली ये जो रिब्स होती हैं हमारी, इनके ऊपर हाथ रख लेना है और आपको ये देखना है, देखिए इस तरीके से, तो इसको मतलब जब भी आप इनहेल करते हैं तो ये थोड़ा सा फैलनी चाहिए, तो ये आप इस तरीके से करते हैं ना, तो आपकी ब्रेस्ट की जो मसल्स होती हैं, मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होती हैं, जब मसल्स स्ट्रोंग होती हैं तो आपकी बहुत अच्छे से टोनिंग होती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, अगर आपके लिए हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को जितना हो सके प्यार दीजिएगा और उन सब तक पहुँचाना है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
गुड बाय।